जैसा कि अभी सुबह के लेक्चर के अंदर अपन ने देख लिया था, अपन ने विद्युत परिपथ देख लिया था, अपन ने विद्युत आरेख, विद्युत परिपथ के जितने भी आरेख हैं वो देख लिया था, खुला परिपथ देख लिया था, बंद परिपथ देख लिया था, उसी तरीके से अपन ने विद्युत धारा भी देख ली थी कि विद्युत धारा कहते किसे हैं। विद्युत धारा किसे कहेंगे, किसी भी परिपथ में आवेश के प्रवाह की जो दर है उसे हम क्या कहेंगे, विद्युत धारा। ठीक उसी तरीके से ये है कि जो विद्युत धारा का जो सूत्र है, इसे जो हमने इंगित किया था वो I से इंगित किया था बेटा, ध्यान रखना कि विद्युत धारा जो है वो क्या है, I, और इसका जो सूत्र था वो क्या था, हमने Q अपॉन T। सबसे इंपॉर्टेंट जो सूत्र है वो अपने यही है कि I बराबर क्या है, Q अपॉन T। I बराबर क्या है, यहाँ I बराबर धारा, Q आवेश, और T बराबर क्या है, समय। ठीक है, अब यहां एक चीज याद रखिए कि I बराबर धारा है तो I जो है उसका मात्रक क्या है, एम्पियर। अब यहां पे अपन मात्रक देख लेंगे कि मात्रक किस किस के कौन कौन से हैं, तो ये चार बना लेंगे आप तो आपको पता होगा कि किसका मात्रक क्या है। धारा जो है उसका मात्रक है एम्पियर। ठीक है, और जो सिंबल है यानी कि प्रतीक, जो प्रतीक है आगे देखो किसका जो प्रतीक है वो क्या हो जाएगा, ए। क्लियर, आवेश जो है इसका मात्रक बेटा अपन ने पहले वाली क्लास के अंदर, फर्स्ट लेक्चर के अंदर, आज अपना थर्ड चल रहा है, फर्स्ट लेक्चर के अंदर अपन ने क्लियर कर लिया था कि जो आवेश है इसका जो मात्रक है वो अपने क्या है, कूलम। ये हो गया आपने सी। टी समय, समय का जो मात्रक है वो है सेकेंड। ठीक है, सेकंड, इसे आप सेकंड भी कर सकते हैं, SECOND सेकंड। इसे आप देखिए एस के साथ भी लिख सकते हो, ठीक है, और SEC भी लिख सकते हो, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। तो यहाँ आई जो है धारा है, क्यू आवेश है, और टी बराबर क्या है, समय। तो ये विद्युत धारा का क्या हो गया, सूत्र हो गया। अब देखो इस सूत्र की सहायता से ही, ध्यान दीजिए इस सूत्र की जो सहायता है उसी से ही हम क्या निकालेंगे, आवेश का सूत्र निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे, क्यू है जब ऊपर वाली चीज है लेफ्ट साइड में गई, क्यू बराबर क्या हो गया, दोनों इंटू हुए आई इंटू टी, तो क्यू बराबर क्या हो गया, आई टी। इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं। अब देखो एक डेफिनेशन जो आती है वो धारा की क्या आती है, किसी भी परिपथ में आवेश के जो प्रवाह की दर है वो क्या हो गई, धारा हो गई। और एक जो डेफिनेशन बेटा जो अपन सूत्र की सहायता से बनाते हैं, वो सूत्र की सहायता से जो अपनी डेफिनेशन बनती है उसे हम क्या कहेंगे कि धारा और समय का जो गुणनफल है वो ही क्या है, आवेश है। जाहिर सी बात है ये डेफिनेशन अपन ने किससे बनाई है, सूत्र से। ये जो डेफिनेशंस होती हैं हमेशा ध्यान रखिए कि ये डेफिनेशंस हमें जो सूत्र से बनती हैं वो डेफिनेशंस हमेशा याद रहेंगी, क्योंकि अपने माइंड के अंदर क्या है, सूत्र चल रहा है, फॉर्मूला अपन को पता है, तो उसकी सहायता से अपन डेफिनेशन भी मेंटेन कर लेंगे। तो कोई जरूरी नहीं है कि आप बिल्कुल रटी हुई लैंग्वेज के अंदर या बिल्कुल जो रटी हुई है वो डेफिनेशन याद करें, अपन को एकदम बढ़िया जो अपने दिमाग में अच्छे से है बैठी हुई है वो डेफिनेशन याद करनी है। तो ये आप उतार लीजिए, उसके बाद अपन देखेंगे कि आप कुछ न्यूमेरिकल्स बेटर देखेंगे और इन मात्रकों की परिभाषा क्या होती है। ये जो एम्पियर मैंने लिख रखा है, ये कूलम मैंने लिख रखा है, ये सेकंड मैंने लिख रखा है, ये जो मात्रक हैं जितने भी, इन मात्रकों की भी परिभाषा आ सकती है।
कैसे? जैसे एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए, एक कूलम को परिभाषित कीजिए, ठीक है। एक चीज देखिए, यहाँ मैंने सेकंड लिखा, यहाँ कूलम है, यहाँ एम्पियर है, ये मात्रक है। जब अपन न्यूमेरिकल सॉल्व आउट करते हैं, यानी कि जो साइंस में आने वाले गणित के सवाल होते हैं, जब हम उन्हें सॉल्व आउट करते हैं, तो अपन को जो वैल्यू आएगी उसके बाद उसका मात्रक लिखना बहुत जरूरी है। यदि अपन मात्रक नहीं लिखते हैं तो ये मान के चलिए कि अपने नंबर कटते हैं। तो ये चीज आप हमेशा ध्यान रखें। तो अभी अपन जब न्यूमेरिकल करेंगे, उससे पहले जरा अपन ये जो आपने मात्रक हैं, इनकी परिभाषा भी देख लीजिए। अब देखो, प्रश्न जैसे आ जाता है, ये तो आपने नोट डाउन कर ही रखा होगा, प्रश्न आ जाता है, ठीक है, कि एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए, कि एक एम्पियर की जो डेफिनेशन है वो क्या होगी। अब जो ध्यान रखना, एक एम्पियर की अपन डेफिनेशन कैसे निकालेंगे, थोड़ा अपन माइंड को बिल्कुल कॉन्सेंट्रेट होकर पढ़ेंगे बेटा, तो अपन को आ जाएगी कि एक एम्पियर की अपन डेफिनेशन कैसे निकालेंगे। I बराबर क्यू अमाउंट टी, ठीक है। आई का अपन को पता है कि जो अपने मात्रक है वो क्या होता है, और एम्पियर किसका मात्रक, एम्पियर किसका मात्रक है, एम्पियर धारा का। तो यहां मैंने लिख दिया ए, ठीक है, लिख दिया ए, जहां आई था वहां ए लिख दिया। क्यों? क्योंकि वो प्रश्न में क्या पूछ रहे हैं कि एक एम्पियर को परिभाषित करना है, आपको डिफाइन किसको करना है, एक एम्पियर को। तो आई जी करके लिख दिया साहब मैंने, ए इक्वल्स टू क्यू है, क्यू का मात्रक मुझे पता है कि क्यू का मात्रक क्या होता है, कूलाम है, तो और कूलाम को किससे इंगित करता है वो भी मुझे पता है, सी से। टी, टी का मात्रक क्या है, एस, यानी कि सेकंड, ठीक है। तो मैंने यहाँ एक तरफ लिखा मैंने ए, एक तरफ मैंने लिखा सी, और एक तरफ मैंने क्या लिखा, एस। अब जब एक चीज ध्यान रखिए, जब वो पूछ रहा है कि एक एम्पियर को परिभाषित कीजिए, यानी कि उसने तीनों की वैल्यू क्या मानी है, इकाई, ठीक है। तो जो कभी भी हमें यदि कोई वैल्यू नहीं दी हुई होती है तो हम उसका मान क्या मान लेते हैं, इकाई, यानी कि एक मान लेते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे क्या लगा दूँ, सबके आगे मैंने क्या लगा दिया, अब ये तो मेरा बन गया सूत्र, किसका, एक एम्पियर का सूत्र, जो मैंने निकाला किससे है, मैंने मेरे धारा के, विद्युत धारा का जो मेरा सूत्र है उसकी सहायता से ही क्या निकाला है, एक एम्पियर का मैंने सूत्र निकाल लिया। अब इस सूत्र की सहायता से मैं क्या करूंगी, डेफिनेशन बनाऊंगी। कैसे डेफिनेशन बनाई मैंने, जब किसी परिपथ में एक सेकेंड में, ये क्या है, ए मुझे दिख रहा है, ये क्या है, एस मुझे पता है, सेकंड, इसको इसको क्या बोलेंगे हम, सेकंड। जब किसी परिपथ में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश, ठीक है, संचित होता है, या एक कूलाम आवेश प्रवाहित होता है, या आप ये भी बोल सकते हैं कि किसी चालक तार के अंदर, तो क्या होगी, किसी चालक तार के अंदर क्या होगी, एक एम्पियर की धारा प्रवाहित होगी। क्या कहा मैंने, जब किसी परिपथ में, परिपथ मानी सर्किट, जब किसी परिपथ में एक सेकंड में एक कूलाम आवेश है तो चालक तार में प्रवाहित धारा कितनी है, एक एम्पियर है। आप चालक तार में लिखना चाहो तो आप डायरेक्ट ये बोल सकते हो कि जब किसी परिपथ के अंदर एक सेकंड में एक कूलाम आवेश संचित है तो प्रवाहित होने वाली, किसी परिपथ में प्रवाहित होने वाली जो धारा है वो कितनी है, एक एम्पियर की धारा है। क्लियर हो गया, एक एम्पियर, एक कूलाम, एक सेकंड किसी परिपथ में। अब देखो फुल सेंटेंस में नहीं लिखूंगी, फुल सेंटेंस बेटा आपको लिखूंगी, मैं सिर्फ आपकी मार्गदर्शिका हूं, दिमाग अपन को खुद चलाना, ठीक है। एक सेकंड में एक गुना आवेश, एक एम्पियर धारा,
भाई एक सेकंड है, एक गुलाम आमिश है, एक एम्पियर की धारा है, कहीं ना कहीं तो इनका रोल होगा। किसमें है वो रोल? किसी परिपथ में, किसी परिपथ में, ठीक है। तो किसी परिपथ में परिभाषा में आप क्या देंगे, एक एम्पियर की परिभाषा में, किसी परिपथ में एक सेकंड में जब एक गुलाम आवेश संचित होता है या एक गुलाम आवेश प्रवाहित होता है तो परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या कहलाती है? एक एम्पियर, ठीक है। ध्यान रखिए, परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा क्या है? एक एम्पियर। नोट डाउन कर लो, बोल देती हूँ मैं, जब किसी परिपथ में एक सेकंड में एक गुलाम आवेश संचित होता है या प्रवाहित होता है तो उस परिपथ के चालक तार में प्रवाहित होने वाली धारा एक एम्पियर की होती है। ये एक एम्पियर की परिभाषा है बेटा, एक एम्पियर की जो परिभाषा है वो अपने एग्जाम के अंदर जरूर से जरूर आ ही जाती है। अब इसी तरीके से अपन क्या करेंगे, एक गुलाम की परिभाषा निकाल लेंगे। समय की परिभाषा आती नहीं है, समय आपको पता है क्या होता है, ठीक है। तो समय की तो परिभाषा आती नहीं है, लेकिन एक गुलाम की परिभाषा आ जाती है कि एक गुलाम की परिभाषा क्या होती है। बिल्कुल उसी तरीके से है, ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है। अब ये जो है ये आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब देखो, एक गुलाम आवेश की जो परिभाषा है या एक गुलाम की परिभाषा वो अपन कैसे बनाएंगे? Q बराबर क्या है? Q बराबर है आई टी, यही है। Q बराबर क्या है? आई टी। अब यहां पे मैं क्या लिख दूं? Q की जगह एक गुलाम, ठीक है। यहां मैंने क्या लिखा? आई की जगह एक एम्पियर। और यहां मैं क्या लिख रही हूं? टी। टी का मतलब क्या था बेटा? समय गुणा 1 सेकंड, ठीक है। आप चाहे तो ये भी कर सकते हैं, 1C बराबर 1A 1S, ठीक है। मल्टीप्लाई का मतलब ही क्या होता है? मल्टीप्लाई लगाइए या दोनों के मध्य में चिन्ह मत लगाइए। बात एक ही होती है, अंडरस्टूड वाली बात होती है कि दोनों चीजें आपस में क्या कर रही हैं? गुणा कर रही हैं। तो अब एक गुणांक की परिभाषा के अंदर मैं क्या बोलूंगी कि जब किसी परिपथ में, मैं क्या बोलूंगी एक गुणांक की परिभाषा में, जब किसी परिपथ में एक सेकंड में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो संचित आवेश क्या है? एक गुलाम है। या जो आवेश की आवेश है वो क्या है? एक गुलाम है। यानी ये कि जब किसी परिपथ में एक सेकंड में, यानी कि एक सेकंड में एक एम्पियर की धारा प्रवाहित हो रही है तो संचित आवेश एक गुलाम है। या फिर आप ये भी कह सकते हैं कि प्रवाहित आवेश जो होगा, यानी कि जो धारा को प्रवाह कर रहा है आवेश, वो आवेश क्या होगा? एक गुलाम का होगा। यानी कि सूत्रों से अपन अपनी डेफिनेशन बनाएंगे। ये नहीं कि अपन ने रटने की कोशिश करें कि बेटा भूल गए, लेकिन यदि अपन सूत्र मेंटेन करते चले गए, ध्यान दीजिए कि सूत्र मेंटेन करते चले गए तो अपने दिमाग में पता रहेगा कि ये नाम गुलाम क्या था और उसका सूत्र क्या है, उसको किससे रिप्रेजेंट किया है, किस तरीके की अपने परिभाषा के अंदर वर्ड्स आने चाहिए और किस किस को अपन डिनोट कर सकते हैं। मेरे हिसाब से क्लियर हो गया होगा। अब अपन एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं बेटा, जो बिल्कुल ही आपने नोट डाउन कर लिया होगा, बिल्कुल ही काल्पनिक न्यूमेरिकल है। ये सूत्र मैं नहीं मिटाऊंगी क्योंकि धारा से संबंधित, ध्यान दीजिए धारा से संबंधित न्यूमेरिकल ही अपन अभी देख। अब एक चीज देखो, हम्म,
कि यदि किसी परिपथ में क्वेश्चन है ना आपके पास, ठीक है, क्वेश्चन क्या है, यदि किसी परिपथ में, यदि किसी परिपथ में दो कूड़ा, मैंने टू सी लिखा है, दो कूड़ा, ये बिल्कुल एक तरीके का काल्पनिक सवाल है बेटा, जो केवल अपन किस तरीके से इस सूत्र के अंदर वैल्यू पुट अप करके अपन धारा का मान ज्ञात कर सकते हैं उसके लिए बताते हैं। दो कूड़ा आवेश तीस सेकेंड में, ठीक है, तीस सेकेंड में संचित रहता है, तो प्रवाहित धारा कितने एम्पीयर की होगी। क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि किसी परिपथ में दो सेकंड आवेश, ठीक है, दो गुलाम, सॉरी, किसी परिपथ में दो गुलाम आवेश तीस सेकंड में संचित, देखो दो गुलाम आवेश है तीस सेकंड में संचित है, तो प्रवाहित धारा कितने एम्पियर की होगी। यदि आप देखे हैं तो इस सवाल के अंदर या इस न्यूमेरिकल के अंदर अपन को गुलाम भी पता है कि गुलाम भी दे रखा है, ठीक है, समय भी दे रखा है अपन को, और ये जो एम्पियर है यानी कि धारा का मात्रक भी दे रखा है, और पूछ रहे हैं प्रवाहित धारा कितने एम्पियर की होगी, यानी कि पूछ क्या रहा है, धारा पूछ रहा है, तो अपन एक सिंपल सा सवाल है, तो लो साहब ये सूत्र लगा दिया। अब इसके अंदर सबसे पहले देखें कि जो आंसर है उसके लिए अपन क्या करेंगे, Q की वैल्यू देखें अपन कि Q जो है वो कितना है, दो गुना दे रखा है टू सी, उसके बाद में समय तो दे रखा है अपन को T बराबर क्या है 30 सेकंड, I बराबर क्या है पूछना, ठीक है, I बराबर क्या है पूछना, बहुत ज्यादा जरूरी चीज ये है कि अपन उसका मात्रक साथ में जरूर लिखें,
मात्रक नहीं लिखते हैं, मैंने एक बार पहले भी बोला है, दोबारा बोल रही हूँ, मार्क्स पत्थर। क्लियर? अब एक क्वेश्चन और लिखो, यानी कि एक न्यूमेरिकल वाक कोड डाल दो। ये तो अभी छोटे छोटे हैं, अभी अपन बड़े और करेंगे। ये जो न्यूमेरिकल है वो अभी छोटे छोटे हैं, अपन थोड़ा सा बड़ा और करेंगे। एक आवेश से रिलेटेड न्यूमेरिकल होगा, ठीक है? अब उसके अंदर आवेश जब निकालेंगे अपन, तो क्यों नहीं, क्यों बराबर क्या हो जाएगा, आई टी। क्वेश्चन डाल दो, यदि किसी पड़ी पर में 10 मिनट में 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है, तो कितने कूलाम, कूलाम की जगह आप सी भी लिख लो, ठीक है? 5 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो कितने कूलाम आवेश का संचयन होगा। कितने गुना आवेश का संचयन होगा, आप चाहो तो ये भी लिख सकते हो कि यदि किसी परिपथ में 10 मिनट में 5 एम्पीयर की धारा प्रवाहित होती है तो कितना कूलाम आवेश या कितने कूलाम आवेश की गणना हम कर सकते हैं, तो या फिर ये लिख सकते हो आवेश की गणना कीजिए। प्रश्न ध्यान दीजिए, प्रश्न खुद बनाने हैं, ये तो 2 प्रश्न हैं जो मैंने आपको लिखवा दिए, ठीक है? अब बाद के प्रश्न आप खुद बनाएंगे। अब इसमें एक चीज देखो, पूछ क्या रहा है, आवेश पूछ रहा है, क्यों, कितने कूलाम आवेश, अब कूलाम किसका मात्रक है, आवेश का, आई बराबर क्या है, कितनी है, 5 एम्पियर, और समय क्या दे रखा है, 10 मिनट, समय क्या है, 10 मिनट है। एक चीज ध्यान रखिए, मैं समय यहां लिख देती हूँ, आपके आई के साथ ही समय लिख देती हूँ, समय जो है वो कितना है, 10 मिनट। एक चीज ध्यान रखना, अब यहाँ पे मिनट में है, मिनट को किसके अंदर कन्वर्ट करना है, सेकंड के अंदर, ठीक है? तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए अपन क्या करेंगे, 60 से गुणा कर देंगे, ठीक है, 10 into 60 कर देंगे, तो Q बराबर क्या हो गया, 5 into 10 into 60, ये हो गया। अब आप कहोगे कि मैडम ये 60 कहां से आ गया, आई बराबर ये जो सूत्र है उसके अंदर तो आई टी है, आई की जो वैल्यू है वो 5 है, टी की वैल्यू 10 है, तो ये जो 60 आया है बेटा, ये 60 कहां से आया अपने, जब अपन इस मिनट को किसमें कन्वर्ट कर देंगे, सेकंड के अंदर, तो जो अपने वैल्यू आएगी ना वो सेकंड की वैल्यू आएगी। तो अब आंसर आप निकाल लेंगे कि आंसर क्या आएगा, और हम जो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप है उसके अंदर आंसर क्या है निकाल कर बताएंगे। ये चीज आपके आज का ये जो कॉन्सेप्ट था न्यूमेरिकल था बेटा, वो क्लियर हो गया होगा, और यही न्यूमेरिकल कल वाले लेक्चर के अंदर अपन कंटिन्यू रखेंगे, कुछ एक न्यूमेरिकल्स और दूंगी मैं आपसे करवाऊंगी भी। इसलिए एक चीज ध्यान रखना, कॉपी बना लेना अपनी नोटबुक, और उस नोटबुक के अंदर जो इन क्वेश्चंस जो न्यूमेरिकल्स हैं उनके आंसर आएंगे वो आप मुझे व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर क्या करेंगे, वो भेज देंगे, ठीक है? तो इस आज के लिए अपनी इस क्लास के अंदर इतना ही पढ़ाएंगे अपन, नेक्स्ट लेक्चर के अंदर नेक्स्ट न्यूमेरिकल्स देखेंगे। प्रैक्टिस करना,
ओपन सर्किट की, क्लोज सर्किट की और न्यूमेरिकल्स की। फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। दो या तीन लेक्चर के बाद मैं आपका टेस्ट ले लूँगी कि मैंने आपको जो पढ़ाया वो आपको याद है या नहीं। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।